भारतीय शेयर बाजार में जिस तरीके की गिरावट चल रही है, ऐसे में बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो अब अपने अच्छी वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। अगर वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में है पहले से, तो आप उनको अब एवरेज कर सकते हैं या फिर फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ही कंपनी के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे जो कि अच्छी वैल्यूएशन पे है, अच्छे फंडामेंटल के साथ है और साथ ही साथ देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है। कंपनी का नाम है NHPC लिमिटेड। ये पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। कंपनी तो लार्ज कैप है। पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि क्विक एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जहां पे हमको ये पता चलेगा कि कंपनी के भीतर एक्चुअल में ग्रोथ कितने रुपए की हो रही है। अगर आप 70-74 रुपए का शेयर ले रहे हैं तो आपको कितनी की वैल्यू मिल रही है, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। और आज की इसी वीडियो में हम बताएंगे आपको NHPC की इंट्रेंसिक वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले वैल्यू इन्वेस्टिंग पे बात कर लेते हैं। तो जो NHPC की इंट्रेंसिक वैल्यू है वो लगभग 70-72 रुपए के करीब में है, और जो शेयर के भाव जिस पे ये ट्रेड कर रहा है वो भी लगभग लगभग बराबर में है। तो इसका मतलब यही है कि जितने रुपए आप पे कर रहे हैं उतनी की ही वैल्यू आपको मिलने वाली है इस शेयर के साथ। 73,390 करोड़ की मार्केट कैप रखने वाली ये कंपनी 28,142 करोड़ का कर्जा भी लादे हुए है अपने सर पे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ रेट हो, चाहे प्रॉफिट ग्रोथ रेट हो, चाहे हो वो रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर हो वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये काफ़ी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शेयर खराब है, क्योंकि इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, अगर इसका सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन होता है तो कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट ला के दे सकती है आने वाले टाइम में। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स पर अगर बात कर ले तो लगभग 71% के स्टेक जो है वो कॉन्स्टेंट है प्रमोटर्स के पास। अगर इस कंपनी के ऊपर चल के आगे चर्चा करें, अब इसको रियल नंबर्स में ब्रेकडाउन करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि PE रेशियो वाइज ये अंडर वैल्यूड है। 6 एनालिस्ट आपको 43% के सजेशन दे रहे हैं कि आप इसको बाई करो लंबी अवधि के लिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको ये शेयर लेना है कि नहीं लेना है। इसके लिए सबसे पहले हम रेवेन्यू चार्ट को देखेंगे, क्योंकि रेवेन्यू चार्ट देखना बहुत जरूरी हो जाता है कभी किसी भी कंपनी में वैल्यू इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो आप पाएंगे कि कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रही है, लेकिन समस्या ये है कि ये अपने रेवेन्यू को अपने जो सेक्टर में जो ग्रोथ हो रही है बाकी कंपनियों की, उनकी तुलना में नहीं लेके जा पा रही है, थोड़ी सी कम हो रही है। इसके साथ ही कंपनी की अगर इनकम पर चर्चा करें, जिसको हम शुद्ध लाभ कहते हैं सारे टैक्सेस वगैरह कटने के बाद, वो भी काफ़ी इंप्रूव हुई है पिछले साल की तुलना से। एसेट्स मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया हो रहा है, ये बताते हैं कि कंपनी के ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छे हैं, और साथ ही साथ जो इसकी मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा रिस्क मैनेज कर रही है। तो आपको एक एडवांटेज आपको यहाँ भी मिल रहा है। फ्री कैश फ्लो का मतलब यही होता है कि कंपनी के बैंक खाते में ऑपरेशनल कैश फ्लो कितना है। तो यहाँ पे नेगेटिव में चल रहा है 2023 में, जो कि इस कंपनी का एक ड्रॉबैक है। हर कंपनी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कमियां है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, या फिर ये कमियां तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर निवेश निर्णय ले पाएंगे। तो आपका एक कमी इस शेयर के भीतर ये रहा, और दूसरा रेवेन्यू में, जो कि अपने कॉम्पिटिटर की तुलना में उतनी रेवेन्यू जनरेट NHPC नहीं कर पा रही। तुलना कर ले अगर NHPC की इस सेक्टर की कॉम्पिटिटर कंपनियों से, तो बढ़िया वैल्यूएशन है, सब चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि जो अडानी ग्रीन है, इसका वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है। या फिर SJVN है तो वो भी ठीक है। JP पावर वेंचर बहुत ज़्यादा ये है, उसमें वॉलेंटिलिटी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, तो उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कभी भी आपको। बाकी इस कंपनी के भीतर स्टेबिलिटी काफ़ी बेहतर बनी हुई है, म्यूचुअल फंड्स भी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी है, फॉरन इंस्टीट्यूशन भी है, और रिटेल निवेशक भी काफ़ी अच्छी मात्रा में इसके भीतर। डिविडेंड ये कंपनी अच्छी खासी देती है, जो रिसेंट डिविडेंड कंपनी ने दिए थे 45 पैसे के, वो जो एक्स्ट्रा डिविडेंड डेट थी वो लगभग 22 अगस्त थी, और उसके पहले 17 फरवरी को दिए थे 1.40 रुपए के करीब। टेक्निकल्स पे अगर आके देखें तो काफ़ी ज़्यादा आज के ट्रेडिंग डे के दिन ये बियरिश चल रहा है। तो आप चाहें तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेके इस कंपनी के भीतर निवेश कर सकते हैं। ओवरव्यू पे जाके हम यही देख लेंगे कि आखिर में कंपनी कैसी है। क्वालिटी एवरेज है, वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपने PE रेशियो देखा और जो इंट्रेंसिक वैल्यू है और जो शेयर के भाव जिस पे ट्रेड कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है इसकी वजह से, और फाइनेंशियल्स भी एक्सपेंसिव है। ओवरऑल मिला के ये मिला जुला सा शेयर है, अगर करेक्शन में मिलता है स्टॉप लॉस आप 65 का लगा के ले सकते हैं, लेकिन मेरे कहने के बावजूद भी आप अपनी वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेके ही किसी भी तरीके का निवेश कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।